दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप पेटीएम एप्लीकेशन का यूज करते हैं। अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन का यूज करते हैं और आपके पेटीएम एप्लीकेशन में जो आपका यूपीआई लाइट है वो आपका चालू है, लेकिन आप अपने यूपीआई लाइट का जो पैसा है उसे अपने बैंक में आप लेना चाहते हैं तो कैसे आप ले सकते हैं, वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पेटीएम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे यूपीआई लाइट बैलेंस और हमारे यूपीआई लाइट के अंदर हमारा यहाँ पर 19 रुपये है जैसा अभी आपको दिखाई देगा। तो हमारा जो ये पैसा है, ये वाला जो पैसा है, हो सकता है कि आपका ज्यादा होगा, तो इस पैसे को अपने बैंक में आप कैसे लेंगे, कैसे आप ट्रांसफर करेंगे, वही आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो आप ध्यान से देखना, तभी आपको पता चलेगा कि पेटीएम के अंदर आप यूपीआई लाइट का जो पैसा है वो अपने बैंक में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसे ओपन कर लेना होगा और आप अपने आईडी को यहां पर लॉग इन कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका पेटीएम दिखाई देगा। अब यहां पर आपको करना क्या होगा, यहां पर अपने आईडी पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप आईडी पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आएगा। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा UPI पेमेंट सेटिंग। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पेज दिखाई देगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा UPI लाइट का जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और आपके UPI लाइट से आपका जो बैंक अकाउंट लिंक होगा वो आपको यहां पर दिखाई देगा। तो यहां पर आपको करना क्या है कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिसेबल करने का, अब आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो हम यहां पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहां पर मिलेगा डिसेबल, अब आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन निकल कर आ जाएगा डिसेबल UPI लाइट, अब आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा इंतजार करने का पेज आएगा और आपका जो यूपीआई लाइट होगा वो आपका डिसेबल हो जाएगा, लेकिन आपको बताया जाएगा योर बैलेंस, जो आपका बैलेंस होगा, हैज बीन डिपॉजिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये वाला बैंक है। तो हमारे इस वाले बैंक में हमारा जितना सारा बैलेंस था वो हमारे इस बैंक में सेंड कर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक ये मैसेज में लिखा हुआ है कि आपका जो बैलेंस है वो आपके बैंक में सेंड कर दिया गया है। तो इस तरीके से अपने यूपीआई लाइट का पैसा आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपका यूपीआई लाइट बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे फिर से चालू करना चाहते हैं तो आप आसानी से चालू कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इस तरीके से नहीं होता है, आपका काम नहीं करता है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कभी कभी पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर सर्वर डाउन हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका पेटीएम अच्छे से काम नहीं कर पाता है। यह आपको एक बार अपने पेटीएम एप्लीकेशन को डिलीट करना होगा और डिलीट करने के बाद फिर आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद फिर आप प्रोसेस करेंगे और आपका सही हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा आज आप सीख गए होंगे यूपीआई लाइट का पैसा बैंक में ट्रांसफर करने का क्या तरीका है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।